लेटेस्ट प्रोडक्ट की नॉलेज पाने के लिए सब्सक्राइब करें SS प्रोडक्ट नॉलेज, साथ ही प्रेस करें बेल आइकन को ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भाई ऑन ग्रिड इन्वर्टर कैसे काम करता है। ये कमेंट काफी बार मुझसे पूछा गया कि एक्चुअल में ऑन ग्रिड इन्वर्टर कैसे काम करता है, कहाँ ऑफ होता है, कहाँ ऑन होता है, अगर हमारी सोलर से पावर आ रही है, ग्रिड भी आ रहा है, तो वो कैसे हमें एनर्जी देता है, वो ग्रिड से एनर्जी देता है या सोलर वाली एनर्जी हमें देता है, या सोलर वाली एनर्जी को ग्रिड में ट्रांसफर करता है, तो किस हिसाब से उसकी वर्किंग है, कैसे वो काम करता है, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं संग्राम सिंह, SS प्रोडक्ट नॉलेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, जानते हैं इसके बारे में और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो भाई बात हो रही है ऑन ग्रिड इन्वर्टर की। देखिए, एक तो वीडियो पूरा ध्यान से देखें और वीडियो को पूरा देखें, पूरी डिटेल्स में इसमें आपको बताऊंगा कि ऑन ग्रिड इन्वर्टर एक्चुअल में काम कैसे करता है। तो पहले हम बात करते हैं ऑन ग्रिड इन्वर्टर होता क्या है, जिसको हम बोलते हैं GTI, यानी कि ग्रिड टाई इन्वर्टर, यानी कि जो हमारा ग्रिड से कनेक्ट होता है उसको हम हमारा जो है ग्रिड ऑन ग्रिड इन्वर्टर बोलते हैं। ऑन ग्रिड इन्वर्टर सबसे पहले जो काम करता है वो करता है हमारे DC करंट को AC करंट में कन्वर्ट करता है। सबसे पहली फंक्शनैलिटी तो ये है उसकी। अब उसके बाद दूसरी फंक्शनैलिटी है कि जो DC करंट को जो उसने AC करंट में कन्वर्ट किया है, अब उस AC करंट को तैयार करना ग्रिड के लिए कि ग्रिड को हमारा कितना करंट चाहिए, यानी कि ग्रिड में हमारा कैसे करंट जाएगा, कितना करंट जाएगा, कितनी वोल्ट होनी चाहिए, तो ये सारा काम हमारा ग्रिड टाई इन्वर्टर करता है, यानी कि ऑन ग्रिड इन्वर्टर हमारा ये काम करता है DC करंट को AC करंट में कन्वर्ट करके, और जो ग्रिड के लिए सुटेबल हो, जो ग्रिड से लाइट आ रही है उसको ग्रिड के लिए सुटेबल हो, ताकि जो वो इलेक्ट्रिसिटी सोलर से बनी है वो आपकी ग्रिड में जा सके, तो ऑन ग्रिड इन्वर्टर हमारा ये काम करता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि ऑन ग्रिड इन्वर्टर कितनी वैल्यू की हमारी वोल्ट देता है, कितनी वैल्यू करंट देता है। देखिए, ऑन ग्रिड इन्वर्टर जैसे फॉरेन कंट्री में तो बहुत से इन्वर्टर ऐसे हैं जो 120 वोल्ट में काम करते हैं, यानी कि 120 वोल्ट वो आउटपुट देते हैं, काफ़ी कंट्रीज में ऐसा है, और 50 हर्ट्ज उसकी फ्रीक्वेंसी रहती है। लेकिन भारत में जो इन्वर्टर्स हैं, भारत में जो ज़्यादातर ऑन ग्रिड इन्वर्टर चलते हैं वो हमारे 240 वोल्ट के चलते हैं, जो कि डोमेस्टिक में चलते हैं 240 वोल्ट की वो आउटपुट देते हैं, 50 हर्ट्ज उनकी फ्रीक्वेंसी रहती है। लेकिन अगर कमर्शियल में हम चले जाएं, कमर्शियल में जैसे 3-phase इन्वर्टर हमारे होते हैं, तो 3-phase इन्वर्टर हमारे आते हैं 400 वोल्ट में, 480 वोल्ट में, 600 वोल्ट में, तो ये हमारे कमर्शियल इन्वर्टर्स हो गए। तो ऑन ग्रिड इन्वर्टर के हमारे जो वोल्ट वगैरह है वो हमारी इस प्रकार से है। उसके बाद ये काम करते हैं जो हमारे नॉर्मल इन्वर्टर है, उनकी वैल्यू होती है 120 वोल्ट RMS, यानी कि रूट मीन स्क्वेयर। रूट मीन स्क्वेयर हमारा काम करता है कि जो हमारी DC करंट की जो वैल्यू है उसको सेम कर देता है जो हमारी करंट रजिस्टर में अवेलेबल है, तो ये हमारा RMS का काम होता है। तो जो हमारे ऑन ग्रिड इन्वर्टर है वो हमारा ऐसा बोला जाता है 120 वोल्ट RMS, 240 वोल्ट RMS, 400 वोल्ट RMS, तो ये हमारा होता है ऑन ग्रिड इन्वर्टर का काम। अब जो हमारा ये इन्वर्टर है या जो GTI है, ग्रिड टाई इन्वर्टर है, जो हमारा GTI है वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। ग्रिड टाई इन्वर्टर हमारा इस्तेमाल होता है सोलर में, सोलर की तो हम बात कर ही रहे हैं। दूसरा हमारा इस्तेमाल होता है वाइंड इलेक्ट्रिक में, यानी कि जो हमारी हवा से जो बिजली बनती है या जिसको हम बोलते हैं पवन चक्की, तो पवन चक्की में हमारा इस्तेमाल होता है। और तीसरी हमारा होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक में, जो हमारी पानी से जो बड़े बड़े बांध होते हैं वहाँ पर जो हमारी बिजली बनती है, क्योंकि जो हम बिजली जनरेट करते हैं वो हमारी DC बिजली ही जनरेट होती है, लेकिन उसके बाद हमारी जो DC से हमें AC में कन्वर्ट करनी होती है, तो वो काम हमारा इन्वर्टर करता है। ये बिना किसी बैटरी बैंक के इस्तेमाल हो सकता है, तो इसलिए हम वहाँ पर GTI का इस्तेमाल होता है, ग्रिड टाई इन्वर्टर का इस्तेमाल होता है। अब जो हमारा ग्रिड टाई इन्वर्टर है वो काम कैसे करता है, जब बिजली को हमें वापस भेजना हो या जब वो बिजली को वापस भेजता है ग्रिड, तो ग्रिड से उसकी फ्रीक्वेंसी, उसका फेस और उसकी वोल्टेज मैच होनी चाहिए, तभी हमारी जो है ग्रिड में बिजली जाएगी। जो हमारे सोलर से बिजली बनी है वो हमारे ग्रिड में तभी जाएगी जब उसकी फ्रीक्वेंसी, फेस और उसकी वोल्ट हमारी मैच होगी। हालांकि जो वोल्ट है वो हल्की सी, स्लाइटली थोड़ी सी ज़्यादा रहती है जो हमारे ग्रिड की वोल्टेज होती है, क्योंकि ज़्यादा वोल्टेज होने की वजह से वो वापस वहाँ आने के बजाय तो उधर हमारा जो प्रेशर पड़ा रहता है, तो इसलिए थोड़ी सी ज़्यादा वोल्टेज होती है जो हमारा ऑन ग्रिड इन्वर्टर की जो आउटपुट देता है। अब जो ऑन ग्रिड इन्वर्टर में कितनी करंट आ रही है, कितनी वोल्टेज आ रही है, ऑन ग्रिड इन्वर्टर को कितनी DC करंट से वोल्टेज वापस देनी है, कितनी करंट वापस देनी है, ये सारा काम करता है। उसमें एक इनबिल्ट ऑन बोर्ड कंप्यूटर होता है जो कि सारे काम को देखता है
कितनी करंट आनी है, कितनी जानी है, कितनी वोल्ट आनी है, कितनी वोल्ट जानी है, तो ये सारा काम हमारा जो है उसी के अंदर एक ऑनबोर्ड कंप्यूटर होता है, वही सारा काम ये हैंडल करता है। इसके एक ड्रॉबैक भी है। ड्रॉबैक क्या है इसका कि जब हमारा ग्रिड नहीं होता, यानी कि हमारी ग्रिड से कोई लाइट नहीं आ रही या उस इन्वर्टर के पास बिजली नहीं है, तब ये काम नहीं करता। यहां पर लोग सबसे ज्यादा ये सोचते हैं कि भाई जो हमारा ग्रिड इन्वर्टर है वो हमारा जब लाइट नहीं होगी तब भी काम करेगा, वो वहां पर काम नहीं करेगा। या उसमें हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारी, क्या हम डायरेक्ट भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं कि हम डीसी करंट से सीधा कन्वर्ट, तो वो इन्वर्टर कर ही देगा, हम डायरेक्ट उसको इस्तेमाल कर लें, तो ऐसे आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। पावर कट होने पर वो ऑफ हो जाता है, उसका एक अपना रीजन है, क्योंकि जो नेशनल इलेक्ट्रिक कोड है, नेशनल इलेक्ट्रिक कोड एक टर्म्स है, अब उसके जो सेफ्टी रूल्स हैं, उसके सेफ्टी रूल्स में ये है कि जो ये इन्वर्टर है, जो इस प्रकार के इन्वर्टर है, जो GTI इन्वर्टर है, वो शट डाउन हो जाने चाहिए अगर पीछे से पावर सप्लाई नहीं है। तो ये गवर्नमेंट की एक रिक्वायरमेंट है, गवर्नमेंट ने इसको मेंशन किया है। अब वो ऑफ इसलिए हो जाने चाहिए कि हो सकता है कोई वर्कर काम कर रहा हो कि हमारे ग्रिड की लाइन हमने काट दी, तो ग्रिड की लाइन काटने के बाद कोई वर्कर वहां पर काम कर रहा हो, कोई लाइनमैन वहां पर काम कर रहा हो, तो सेफ्टी के लिए इस इन्वर्टर्स को ऑफ कर दिया जाता है। ऐसी गाइडलाइन सभी के लिए है और ये सभी में होता है। एक चीज और मैं बता दूं, जितने भी हमारे ग्रिड टाइप इन्वर्टर हैं, जो भी GTI इन्वर्टर है या ऑनग्रिड इन्वर्टर है, उन वो सभी MPPT में होते हैं और वो सभी साइन वेव में होते हैं। उनका एक रीजन है साइन वेव में होने का, क्योंकि जो हमारे पास ग्रिड से जो पावर आ रही है वो हमारी साइन वेव में होती है। अब इनके दोनों के बीच के जो एंगल होता है वो 1 डिग्री एंगल होता है। ज्यादा टेक्निकली तो मत जाओ, मैं थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा आपको बता देता हूं। अब इसमें दो प्रकार के इन्वर्टर आते हैं, एक होता है ट्रांसफॉर्मर वाला, एक होता है ट्रांसफॉर्मर लेस। यूरोप की कई कंट्रीज में यूज होते हैं, यूरोप की काफी कंट्रीज है जहां पर ट्रांसफॉर्मर लेस इन्वर्टर यूज होते हैं। ट्रांसफॉर्मर लेस इन्वर्टर का एक ड्रॉबैक है, ट्रांसफॉर्मर लेस इन्वर्टर का एक ड्रॉबैक क्या है कि ये एक तो थोड़े महंगे भी होते हैं और इनमें फॉल्ट के चांस भी ज्यादा होते हैं, क्योंकि डीसी करंट से जो हमारा एसी करंट में कन्वर्ट करता है बिना ट्रांसफॉर्म के, तो वहां पर फॉल्ट के चांस ज्यादा होते हैं, लेकिन वहां वोल्टेज कम रहती है। ये 120 वोल्ट वाले जो इन्वर्टर है वो वहां पर ही यूज होते हैं, यहाँ भारत में इतना यूज नहीं होता उनका। तो यहां पर जो हमारे यूज होते हैं ये होता है ट्रांसफॉर्मर वाले, जिनमें ट्रांसफॉर्मर होता है जो आपके डीसी करंट को एसी करंट में कन्वर्ट करता है, उनमें ट्रांसफॉर्मर वाला ही इन्वर्टर चलता है, लेकिन ये MPPT में। तो भाई ऑनग्रिड इन्वर्टर कैसा है, अगर आप अपने घर का लोड चलाना चाहते हैं कि आप बिजली का बिल ना दे, तो आप अपनी यूनिट मेंशन करें कि भाई कितनी आपकी यूनिट आ रही है, उस यूनिट के हिसाब से आप सोलर पैनल लगवाएं और वहां पर GTI लगवाएं, ग्रिड टाई इन्वर्टर लगवाएं, ताकि जिससे आपका बिल जो है ना आए उसमें आपका फायदा होता रहे। इसीलिए ये प्रोडक्ट लॉन्च किया। वैसे तो ये प्रोडक्ट काफी पहले के हैं, जैसे पवन चक्की तो बहुत पहले से बिजली बनती है, हम जो बचपन में तब सुनते थे कि पवन चक्की से बिजली बनती है, या जो पानी से वो बिजली बनाते हैं, जो टर्बाइन घुमाकर बड़े बड़े बांध होते हैं वहां पर बिजली बनती है, तो वहां पर इन्वर्टर्स का काफी पहले से इस्तेमाल होता है। बहुत ज्यादा कॉस्टली थे पहले, तो अब धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ गई, कंपटीशन बढ़ गया, काफी कंपनीज इसमें एंट्री कर गई, तो वहां पर थोड़ी कॉस्ट अब कम हो चुकी है। तो आप अगर लेना चाहें तो ऑनग्रिड इन्वर्टर लगवा सकते हैं। ऑनग्रिड इन्वर्टर या ऑनग्रिड सोलर लगवाने का फायदा तभी है जब आपके पास बिजली अच्छी हो। अब जहां पर बिजली नहीं है वहां पर आप इसका करोगे क्या? क्योंकि वहां आपकी समस्या बिल नहीं, वहां आपकी समस्या बिजली है, लेकिन जहां आपकी बिजली है वहां आपकी समस्या बिल है। तो बिल से बचने के लिए आप ऑनग्रिड सोलर, ऑनग्रिड इन्वर्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस इन्वर्टर का एक और फायदा है, एक तो MPPT बेस्ड है और साइन वेव में है, लाइफ इसकी ज्यादा है, और अभी तो मार्केट में ऐसे आए हैं जिनकी 8-8 साल की वारंटी है, लेकिन मिनिमम 5 ईयर की वारंटी लगभग सभी कंपनीज इसकी दे रही है। और दूसरी बात है, इसमें आपको कोई बैटरी बैंक इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि बैटरी बैंक जिस इन्वर्टर के साथ इस्तेमाल होता है वहाँ 4-5 साल के बाद आपको फिर बैटरी बैंक बदलवाना पड़ता है, तो बैटरी बैंक वगैरह की भी इसमें कोई समस्या नहीं है। ये केवल एक सीधा इन्वर्टर आपके घर में लग जाता है। अगर आप बिजली बिल बचाना चाहते हैं तो आप इस इन्वर्टर और सोलर को लगवा सकते हैं। लेकिन इसमें एक और चीज़ है, अगर आपकी खपत ज़्यादा है और आपने सोलर कम लगवा रखा है या सोलर से कम बिजली आ रही है, तो वहां पर आपकी जो बिजली है वो ग्रिड से इस्तेमाल होगी, जो ग्रिड से इस्तेमाल होने के बाद जिसका बिल आएगा। तो भाई ये थी ऑनग्रिड सोलर इन्वर्टर के बारे में, कि ऑनग्रिड जो हमारा ग्रिड टाई इन्वर्टर है वो कैसे काम करता है। ग्रिड टाई इन्वर्टर सीधी भाषा में डीसी करंट को एसी में कन्वर्ट करता है और उस एसी करंट को जो ग्रिड के लिए कैपेबल होती है उसको ग्रिड में वापस भेजता है। ऑनग्रिड इन्वर्टर का हमारा ये काम होता है। अब थोड़ी डिटेल्स में मैंने खुल के इसमें आपको बता दिया। अगर फिर भी आपका कोई सवाल रह जाता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।